श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शुभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाइट टॉक में। फ्रेंड्स, हेल्थ इज कॉल्ड द वेल्थ को अगर सोच समझ कर यूज किया जाए तो ये जिंदगी भर आपका साथ देती है। सो लेट्स टेक केयर ऑफ दिस वेल्थ विद हेल्दी डाइट। पैनकेक्स, व्हाट आर पैनकेक्स? पैनकेक्स आर बेसिकली रैप्स। आजकल बहुत फेमस हुआ है, कोई भी आप फास्ट फूड जॉइंट में जाएं तो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि रैप्स है, ये रैप्स है, वो रैप्स है, वेजिटेबल रैप्स है, चिकन रैप्स है। ये रैप्स क्या है और ये पैनकेक्स क्या है? इनफैक्ट रैप्स एंड पैनकेक्स आर द सेम थिंग्स। जो आप घर में बेसन का ऑमलेट बनाते हैं वो भी एक तरह का रैप्स है। जो आप मैदे के पैनकेक्स मीठा जो बनाते हैं वो भी एक टाइप का रैप है। या आप जो फ्रैंकी जो बाहर खाते हैं वो भी एक तरह का रैप्स ही है। तो रैप्स बेसिकली एक आटे का बना हुआ पतला सा चपाती रहती है जो आप तवे के ऊपर या पैन के ऊपर कर देते हैं। लेकिन रैप्स को ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आपको जो बेस मटेरियल है वो पौष्टिक होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप बेसन का रैप बनाते हैं, जो जिसको हम टोमेटो ऑमलेट बनाते हैं, या जो दूसरे मैदे के रैप्स बनाते हैं, या गेहूं के रैप्स बनाते हैं, तो ये रैप्स के में जो फिलिंग आती है वो पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर फाइबर ज़्यादा चाहिए तो आप गेहूं का भी रैप्स बना सकते हैं। गेहूं के आटे को पतला बना के नॉनस्टिक पैन के ऊपर डाल के पतला सा रैप बना सकते हैं। उसमें यू कैन ऐड वेजिटेबल्स, यू कैन ऐड आइदर बॉइल्ड और स्टीम्ड और सॉटेड वेजिटेबल्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर टिफ़िन फॉर योर चिल्ड्रन स्कूल। यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन टिफ़िन, नाश्ते में काम आता है, डब्बे में काम आता है। तो ये रैप्स जो आप पौष्टिक बना सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको न्यूट्रिशन वैल्यू देना। अगर आप नॉनस्टिक पैन के ऊपर करें तो ज़्यादा वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नॉनस्टिक पैन के ऊपर कम तेल की ज़रूरत पड़ती है। और ये रैप्स में आप अगर वेजिटेबल्स या ग्रेटेड वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, या उसमें कोई भी न्यूट्रिशियस फिलिंग डाल के उसको रोल करके खा सकते हैं। तो ये रैप्स आपके लिए इट वुड बी अ वेरी गुड नाश्ता एंड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट।